एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को किसी भी पहचान की जरूरत नहीं। उनकी एक से बढ़कर एक फिल्मों ने उन्हें इतना फेमस कर दिया कि वो इंडिया ही नहीं फॉरेन में भी जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई फिल्में हैं जिन्हें उनके पिता शक्ति कपूर पसंद नहीं करते। अगर आप नहीं जानते तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फिल्म है जिनसे उनके पिता नफरत करते हैं। रॉक ऑन। 2016 में रिलीज हुई रॉक ऑन में फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर की जोड़ी नजर आई थी, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया था। इन दोनों ही कलाकारों ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को सुपरहिट बनाया। लेकिन क्या आपको पता है, इस फिल्म को शक्ति कपूर कभी देखना नहीं चाहते, क्योंकि इस फिल्म के दौरान ही दोनों के बीच प्यार शुरू हुआ था और फरहान ने श्रद्धा को फिर धोखा दे दिया था। इसी वजह से शक्ति कपूर इस फिल्म को कभी देखना नहीं चाहते। दूसरी फिल्म है हसीना पारकर। 2017 में आई फिल्म हसीना पारकर श्रद्धा कपूर की अब तक की सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। इसमें दुबई की डॉन हसीना आपा के रूप में शानदार प्रदर्शन करती नजर आई हैं श्रद्धा, जिसे बहुत पसंद किया गया था। लेकिन फिर भी उनके पिता शक्ति कपूर ने यह फिल्म कभी नहीं देखी, क्योंकि इस फिल्म में उनकी बेटी मुंबई की डॉन हसीना पारकर की भूमिका जो निभा रही थी, वो नहीं चाहते कि वो कभी डॉन के किरदार में श्रद्धा को देखें। उन्होंने हमेशा उन्हें भोली भाली और सीधी लड़की के रूप में ही देखा है। तीसरी फिल्म है ओके जानू। श्रद्धा और आदित्य कपूर इस फिल्म में रोमांटिक ड्रामा में नजर आए थे। श्रद्धा और आदित्य कपूर की ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा से भरपूर थी, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखी थी। लेकिन बावजूद इसके कि फिल्म हिट नहीं हो पाई, इसके चलते शक्ति कपूर ने कहा कि मेरी बेटी एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, उनकी वजह से ये फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। बस यही वजह भी थी कि आज तक उन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा। हाफ गर्लफ्रेंड। इस फिल्म में पहली बार अर्जुन कपूर के साथ श्रद्धा नजर आई थी और इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। दोनों ही कलाकारों की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अर्जुन और श्रद्धा में एक बड़ी बहस हो गई थी। इसकी वजह से श्रद्धा को सपोर्ट करने के लिए शक्ति कपूर अर्जुन के पास गए, लेकिन अर्जुन ने उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया और इसके चलते शक्ति कपूर अर्जुन को पसंद नहीं करते। तभी उन्होंने डिसाइड भी कर लिया कि वो ये फिल्म भी नहीं देखेंगे। तो यही वजह है कि आज तक उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी।